हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मी। आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 बियर्ड रिलेटेड टिप्स, जिससे आपकी बियर्ड बहुत अच्छी ग्रो होगी और जिनकी बियर्ड ग्रोथ नहीं होती उनकी भी बियर्ड बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। पहले आपके दो मिसकंसेप्शन क्लियर करता हूँ। पहला है, बियर्ड ऑयल लगाने से कभी बियर्ड ग्रोथ नहीं होती। तो बियर्ड ऑयल का जो मेन यूज है वो ग्रूमिंग के लिए है। सेकंड चीज़ है, डेली शेव मत करो। डेली शेव करने से कई लोग बोलते हैं भाई बियर्ड आती है, ऐसा कुछ नहीं। साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि आप अगर डेली शेव करते हैं तो आपकी बियर्ड आ जाएगी। तो प्लीज़ गाइज, टाइम मत वेस्ट करो डेली शेव करके, उसको आप लेट इट ग्रो मोड में छोड़ दो। जितनी उगती उगने तो भले ही वो पैची है, वो जैसी भी है आपकी बियर्ड, लेट इट ग्रो। तीन चीज़ों पे हमारी बियर्ड ग्रोथ डिपेंड करती है। पहला है हमारा विटामिन डी, दूसरा है बॉडी में डीएसटी टेस्टोस्टेरोन लेवल, और थर्ड है गुड क्वालिटी स्लीप। ये तीन अगर हम प्रॉपर वे में करेंगे तो बियर्ड जरूर ग्रोथ होगी। डीएसटी का मतलब है टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी का। तो कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं, आई बटन पे मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप नेचुरली कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बॉडी के बूस्टअप कर सकते हैं। अगर वो अच्छे से बूस्ट नहीं होगा बॉडी में तो कोई मतलब नहीं, कुछ भी खा लो कुछ भी कर लो, बियर्ड ग्रोथ नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपनी बियर्ड ग्रोथ करनी है तो, और ये कोई सप्लीमेंट आपको लेने की नीड ही नहीं है इसमें, क्योंकि विटामिन डी आपको सन से मिल जाएगा। डेली 15 से 20 मिनट अगर आप धूप में उस पर जॉगिंग कर लेते हैं 6 से 8 के बीच, तो आपकी बियर्ड को और आपकी बॉडी को जितना विटामिन डी चाहिए सफिशियंट क्वान्टिटी में मिल जाएगा। तो इसलिए विटामिन डी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। जब हम स्लीप करते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, हेल्दी हार्मोन रिलीज होते हैं, बॉडी का डीएसटी लेवल इंक्रीज होता है। तो स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 8 घंटे की स्लीप मस्ट है आपके लिए। कोई भी फिटनेस गोल है, हेल्दी रहना है, बियर्ड ग्रो करनी है, हेयर ग्रो करना है, 8 घंटे की स्लीप मस्ट है। रोज फॉलो करने से आपकी बियर्ड 1 महीने के अंदर में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी और 1-2-3 महीने के बाद बहुत अच्छी बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि पैची बियर्ड है वो भी इसे ठीक हो जाएगी। पैसे वेस्ट मत करो सप्लीमेंट्स में और महंगे महंगे बियर्ड ऑयल में, आपको लगता है कि उससे आपकी बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गूगल में जाकर सर्च कर लेना, जो अच्छे आपके हेल्थ थेरेपिस्ट हैं और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बताएंगे कि कभी भी बियर्ड ऑयल से आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं होती, वो सिर्फ उसको नरिश करने के लिए होता है, ठीक है। तो उसमें बेमतलब में अपना टाइम वेस्ट मत करो, पैसा वेस्ट मत करो, अपने डाइट पे खर्चा करो, अच्छा खाओ, बॉडी हेल्दी होगी, बियर्ड अच्छी ग्रो होगी, क्योंकि बियर्ड भी बॉडी में हेयर ही आपका, और हेयर के लिए प्रोटीन आयरन चाहिए बॉडी को, तो सब खाने ही मिलता है हमको। तो आप कुछ भी बाहर स्किन में ऑयल लगा के अपनी ग्रो नहीं कर सकते बियर्ड को। गाइस अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।